नमस्ते, मैं हूं प्रवीण सोनी। आरपीटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आरपीटीवी न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट और खबरें देखने के लिए लाल रंग का सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए और वहीं पास ही में बेल आइकॉन को दबाइए। बड़वानी जिले के अंजड़ में झामरिया कुएं में पानी की लैब में टेस्ट हेतु नगर परिषद सीएमओ के द्वारा भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट आज आई है, जिससे इस कुएं के पानी को पीने योग्य बताया गया है। गौरतलब है कि रविवार को शमीम मंसूरी व्यक्ति के द्वारा इसमें दूषित पदार्थ डाला गया था, जिसके बाद सीएमओ ने पानी की पीएचई लैब में टेस्ट के लिए भेजा था। कुएं को खाली कर पूरी साफ सफाई की गई थी एवं कुएं में सामग्री फेंकने वाले व्यक्ति के विरुद्ध रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा सामग्री फेंकने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। घटना घटी थी, पानी में कुछ सामग्री डाली थी, उसकी जांच सैंपल करके जांच हेतु भेजा गया था, तो उसकी रिपोर्ट आ गई क्या? हाँ, उसकी रिपोर्ट आ गई है आज, और उस रिपोर्ट में कोई किसी भी टाइप का मटेरियल नहीं पाया गया है। वो बैक्टीरिया की भी जांच करवा ली है। सर, ये पानी पीने योग्य? तो पानी पीने योग्य हो गया है, लेबोरेटरी ने उसको यस करा है और उस पर सप्लाई भी शुरू कर दी है। कोरोना पॉजिटिव वगैरह इस टाइप की जो संशोधन? किसी भी टाइप का नहीं है, वो पीने योग्य पानी। तो अभी सफाई वगैरह करवा दी थी? सफाई वगैरह बढ़िया करवा दी, एलम ब्लीचिंग वगैरह डाल के ना पानी को क्लियर करके, जो पहले का पानी था उसको तो पहले हमने खाली करवा लिया था कल ही, और अभी एलम ब्लीचिंग डाल के सप्लाई शुरू कर दी। सर, वहाँ देखा गया कुएं के ऊपर मुंडेर नहीं बनी हुई है, वो कब तक बन जाएगी? मुंडेर का एस्टिमेट TS वगैरह हो गई है, अभी टेंडर निकालना है, टेंडर प्रक्रिया बाकी है, उसके बाद वितरण चालू हो गया। हाँ, जल वितरण का काम तो कंटिन्यू।